नमस्ते दोस्तों, जयपुर जायका में आपका फिर से स्वागत है। आज हम राजस्थानी मिर्च के टिपोरे की रेसिपी बनाएंगे, जिसे मिर्च का कूटा भी कह सकते हैं। तो इसे मेथी और दही के साथ बनाएंगे तो टेस्टी के साथ, मेथी की वजह से हेल्दी भी हो जाएगा और खाने में इसे आप साइड डिश की तरह रखिए, चटनी या अचार की तरह बहुत टेस्टी होता है। तो आइए इसे बनाते हैं हम। तो ये देखिए, इसके लिए मैंने इस तरह की एक पाव मोटी मिर्च ली है। ये ज़्यादा तीखी नहीं है, आप तीखी वाली मिर्च भी ले सकते हैं, पर इसी से ज़्यादा अच्छे टिपोले बनते हैं। तो देखिए, मैंने इस तरह से इनको बारीक बारीक काट लिया है। आप चाहे तो मोटे काटें या दरदरा मिक्सी में कूट भी सकते हैं। मसालों में देखिए, आप एक छोटी चम्मच का यूज़ करें तो उससे मेज़रमेंट लेंगे हम। तो एक छोटी चम्मच इसमें मैंने राई ली है, जीरा लिया है और नमक लिया है आधी चम्मच, आधी चम्मच हल्दी है और सौंफ हम यहाँ पर 3 चम्मच लेंगे, ज़्यादा पड़ेगी। और इसे थोड़ा आप दरदरा कूट लें। और ये देखिए, मैंने 4 चम्मच मेथी को गर्म पानी में भिगो के रखा है, तो इसे आप थोड़ी देर पहले भिगो कर रखें। और मैंने 2 चम्मच ताज़ा दही लिया है, दही खट्टा नहीं लेना है, तो आप कोशिश करिए बिल्कुल ताज़ा ही दही लें। तो आइए बनाते हैं हम इसे। तो सबसे पहले देखिए, हम मेथी को उबालेंगे। तो वो पहले ही हम भिगो चुके हैं तो इतना टाइम इसे लगेगा नहीं। इस तरह से आप तोड़कर देख लीजिए, ये थोड़ी कुक हो जाएगी और बहुत जल्दी कुक हो जाएगी क्योंकि हमने भिगो के रखा है। तो इसे कुक हो जाने के बाद आप इसे गैस बंद करके पानी निकाल लीजिए, ये हम सब्जी में थोड़ी देर के बाद काम में लेंगे। तो एक पैन में देखिए, इस तरह सरसों का तेल गरम किया है। तेल गरम होने पर इसमें हम राई डालेंगे और जीरा डालेंगे, बस ये 2 ही मसाले अभी हमें डालने हैं। और फिर इसमें हम हरी मिर्च डाल देंगे। इसे कहीं कहीं अमाम दस्ते में कूट के भी बनाया जाता है, तो इसे मिर्च का कूटा भी कह देते हैं। ये मैंने बारीक काटी है यहाँ। अब देखिए, तेल में हम इसे अच्छे से मिला लेंगे और यहाँ पर हम हल्दी और नमक डाल देंगे और सौंफ डाल देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं यहाँ। अब इसे अच्छे से मिलाकर हम थोड़ी देर के लिए कुक करेंगे, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करेंगे। तो 4 से 5 मिनट में ये हाफ कुक हो जाएगी। बिल्कुल गली हुई हरी मिर्च अच्छी नहीं लगती है। तो ये देखिए, 5 मिनट हो गए हैं और ये काफ़ी कुक हो गई है। अब यहाँ पर हमने जो मेथी पहले बॉईल की थी उसका पानी सारा देखिए निकाल लिया है और ये मेथी हम यहाँ डाल देंगे। और इसके साथ ही हम दही डाल देंगे और इन्हें अच्छे से मिलाकर अब खुला ही कुक करेंगे, क्योंकि मिर्च भी कुक हो चुकी है और मेथी भी हमारी कुक है। तो इसे हमें अच्छे से बस आपस में मिलाना है और खुला इसलिए रखेंगे ताकि दही का ये पानी है वो सूख जाए अच्छे से। तो ये देखिए, दही ने अच्छे से तेल छोड़ दिया है, ये मिर्चियाँ बन चुकी हैं। तो ये मेथी और मिर्च की सब्जी खाइए आप, और इसे एयर टाइट डब्बे में आप फ्रिज में रखिए, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी कई दिन, रोज़ अचार की तरह लीजिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।